गाइज कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी देखिए हमारा जो इस जगह बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो 54,100 के आसपास के हमको क्लोजिंग देखने वाली। आज का जो लो था वो इस जगह 53,800 का लो था, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात किया था और जो लाइव स्ट्रीम हमने किया था उसमें भी ये वाला जो लेवल था वो मैंने आपको बताया था कि ये आपको आगे सपोर्ट का लेवल देखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद नहीं था कि आज ही के दिन जो आपको सपोर्ट का लेवल दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए जब आपके बायर कंटिन्यू थे अच्छे खासी तेजी के साथ थे, लेकिन ये वाला जो लेवल था ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसके वजह से क्या हुआ एक अटेम्प्ट देखिए नीचे की साइड आया। उसके बाद देखिए जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसमें देखिए जो आपके पहले देखिए जो रेजिस्टेंस थे ये सारे रेजिस्टेंस देखिए इस जगह ब्रेक होते हुए दिखाई दिए। जैसे इसका रेजिस्टेंस जे ब्रेक किया था, फिर इस वाले का जे ब्रेक किया था और फिर यहाँ पे, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस देखिए लगातार आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक डेटा मैंने और आपको बताया था कि FIS ने क्या किया है, 14,000 करोड़ की देखिए 14,000 करोड़ की देखिए बाइंग किया था FIS ने। ठीक है, अब जो बाइंग किया था वो भी बाइंग अगर आप देखो ना टॉप पे बाइंग किया था। ठीक है, जबकि जो DIS आपके बाइंग करते हुए दिखाई देते वो उन्होंने बॉटम पे बाइंग किया था, जे मैंने डेटा आपको पूरा बताया भी था। अब इसके बाद देखिए बाजार क्या कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा फॉर्मेशन है और इस तरीके की फॉर्मेशन जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कल बाजार बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन आप देखिए कि नीचे देखिए 53,800 का देखिए लेवल था और इस लेवल पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, टच किया था, यानी टच ऑन जोन किया था और टच ऑन जोन करने के बाद देखिए एक आपका जो 15 मिनट का कैंडल बना है वो काफ़ी बड़ा कैंडल बना था जिसमें देखिए ऊपर की साइड बेक थी लेकिन नीचे की साइड बेक नहीं था। यहाँ पे क्या दिखाई दिया है कि नीचे की साइड जो आपके बायर थे ये अच्छे खासे देखे प्रॉफिट में थे और इसके नीचे देखे बायर को जाना ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी देखे बाइंग हमको देखने वाली वो इस लेवल पे देखने वाली। उसके बाद अगर आप देखो ना तो उसके बाद देखे जो कैंडल बनी है उसके बाद देखिए हायर टू हाई लेवल में हमको कैंडल दिखाई दी, लेकिन किसी भी कैंडल पे ऐसा नहीं देखने को मिला कि बाजार आपका नीचे की साइड आ रहा है। हाँ ऐसा हुआ था कि साइडवेज हो रहा था थोड़ा साइडवेज, लेकिन उसकी जर्नी अगर हम देखेंगे तो आपका रेंज बाउंड होते होते देखिए ऊपर की साइड अब ट्रेंड में था। अब देखिए अगर जी आपका 54,200 इसके ऊपर अगर जी निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 से लेके 600 पॉइंटों का आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिसमें अगर देखिए मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन आप समझिए, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा बना है अगर आप देखो तो देखिए ये बड़ा कैंडल बना, बड़ा कैंडल देखिए यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे, एक बड़ी कैंडल में ये एक अच्छा मूव आया। अब अगर इसको गिनना था ना तो ये इसी जगह से गिर सकता था, क्योंकि अभी तो कि जो जिन लोगों के SL थे वो आपका 54,000 के आसपास के SL लगे हुए थे। ठीक है, अब लोगों का देखिए आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने बहुत दिमाग से काम किया है, क्योंकि जिन लोगों के देखिए SL आपके 54,000 के आसपास के थे तो मार्केट ने क्या किया कि 53,800 तक गया, यानी ऑप्शन के अंदर का हम SL रखेंगे तो कितना रखेंगे 50 से लेके 60 पॉइंट। वैसे इतना बड़ा भी SL ज़्यादा होता है लेकिन वो आपके प्रीमियम के हिसाब से रहता है। लेकिन अगर जब हम इंडेक्स के अंदर देखिए SL लगाते हैं तो इंडेक्स में क्या होता है, एक साइकोलॉजी से किसी ने पोजीशन लिया होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया होगा या किसी आपकी कंपनी को बाइंग किया होगा, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यानी किसी भी बैंक को अगर इस जगह होल्ड किया होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो उन्होंने क्या किया होगा कि बैंक निफ्टी अगर आपका 54,000 के नीचे जाएगा तो मैं अपना इस जगह ऐसा लगा के रखूंगा, अपनी पोजीशन को निकाल दूंगा। आज मार्केट क्या हुआ, इसके नीचे एक गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो काफ़ी लोगों के देखे यहाँ पे SL हिट हुए होंगे और जिन लोगों ने देखे सोचा होगा कि इसके नीचे तो जा ही रहा तो ये बड़ा सा जो कैंडल बना था देखिए आपका ऑलमोस्ट कितने बजे बना था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जे आपका बना था 10 बजे के आसपास, तो जे बड़ा सा कैंडल बना होगा तो जे भी काफ़ी लोगों के SL खा चुका होगा। तो लेकिन जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे SL लगाया तो मार्केट में पोजीशन हल्की हो गई, बाजार हल्का हो गया। अब देखिए इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर आपके जो टारगेट देखते हैं वो लेके जो कि आपका देखिए जगह 54,000 के 54,200 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप ये सोच के चलिए कि 54,300, फिर आपका 54,400, फिर आपका 54,000
500, फिर आपका 54,600 और फिर आपका 54,700, यानी इतना हम जंप कर सकते हैं ऊपर की अपसाइड। ठीक है, अब इसमें देखिए 15 मिनट के चार्ट को भी आप ध्यान से देखिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दिया कि देखिए एक राउंड बॉटम बना, फिर उसके बाद फिर राउंड बॉटम बना, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए इस लेवल को देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके बायर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा है कि यहाँ पे माल खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो ना इसके पहले भी तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था, फिर उसके बाद आप सभी ने देखा कि अभी बाजार कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए नीचे सेलिंग कहाँ से आ सकता है या अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ पे देखिए जगह सपोर्ट हो सकता है। तो अब आप ये समझिए कि आपका 53,900, ठीक है, अब आपका ये होगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी बाजार कहाँ पे क्लोज हुआ है 54,100 के समथिंग। ठीक है, कितना हम एसएल झेल सकते हैं, तो 200 पॉइंट अभी तक एसएल झेल सकते हैं कौन, रिटेल ट्रेडर। ठीक है, और इसमें प्लस वो भी लोग आ जाते हैं जो आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर देखिए हल्का फुल्का नीचे आता है तो इनको लॉस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे होल्डिंग करके गए हैं, इनको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर जो इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर आज का लेवल आ जाता है जो कि आपका 53,800। ठीक है, तो ये लेवल आ जाता है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एसएल काफ़ी लोगों के खा के रखे हैं, तो ये पैनिक में वैसे ही आना चालू कर देंगे कि अब ये फिर से वही लेवल दिखाना चालू कर रहा है, यहाँ पे हमको पहले देखने को मिल चुका था। तो अब जो सेलिंग देखने को मिलेगी वो आपको 53,900, यानी ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर ये फिर से आता है, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर ये फिर से काम करता है और आपका इस जगह 5 मिनट की कैंडल में क्या करता है, इसी जगह देखिए थोड़ा कंसर्ट करता है, समय बिताता है, समय बिताने के बाद जैसे ही ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट फिर आप जो समझे यहाँ तक आपका जाता हुआ दिखाई देगा, जिसमें देखिए 400 से लेके आपको 500 पॉइंटों की एक सेलिंग देखने को मिलेगी। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं, पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा 53,700, फिर आपका 53,600, फिर आपका 53,500 और फिर आपका 53,400 तक हम नीचे की साइड जा सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये गैप अप ओपन हो भी जाता है तो गैप अप की कंडीशन में हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप समझो अभी भी बाजार अगर आप देखो ना FIS के डेटा में देखिए आपका हल्का सा सेलिंग हुआ है, लेकिन उसका जो पूरा माल है वो कहीं ना कहीं DIS देखिए जगह खरीदते हुए दिखाई दिए। FIS ने जो सेलिंग किया है वो 2,780 करोड़ का देखिए यहाँ पे सेलिंग किया, लेकिन जो DIS ने बाइंग किया वो 3,870 करोड़ की यहाँ पे DIS ने बाइंग किया। अब यहाँ पे देखिए टोटल अगर भी अगर आप देखोगे तो FIA देखिए यहाँ पे 23,955 करोड़ की देखिए बाइंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन DIS की अगर मैं बात करूँ तो 13,140 करोड़ के आसपास की बाइंग करके बैठे हैं। अगर आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगर हल्का फुल्का सा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो हमारा नीचे वाला जो बाइंग जोन है वो इस लेवल के आसपास रहेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको ये लेवल याद रहे। अगर ये नीचे की साइड मिलता है तो नीचे की साइड देखिए आपका जो एक अच्छा खासा देखिए बाइंग जोन रहेगा। ठीक है, जो कि एक बड़ा लेवल है। अगर देखिए बड़े लेवल पे हम कहाँ पे देखेंगे 53,200, ये हमारा बिल्कुल बाइंग जोन है जी वाला। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट हमारा कौन सा है, तो मेजर सपोर्ट है इस जगह जो कि मैंने आपको बता के रखा है 53,900 के आसपास। ठीक है, ये हमारा मेजर सपोर्ट है, ये इंटर डे के लिए काम में आएगा। इंटर डे में अगर जब ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा बाइंग जोन है, इसके ऊपर निकलता है तो ये हमारा बाइंग जोन है, और ऊपर सेलिंग वाला जो जोन हमको देखने को मिलेगा वो जगह 54,800 के आसपास, यानी यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको बाइंग करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि HDFC बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ICICI बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, IndusInd बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए आपको सभी बैंकों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैंक कैसे काम कर रही है और बाजार देखिए किस तरीके का है, उसको देखिए पैटर्न कैसे बना रहा है, क्या ये इसी जगह साइकोलॉजी के साथ देखिए खेल रहा है या आपका उसी जगह साइडवेज होते होते ऊपर की साइड जा रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ही देखिए हम यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, वरना हमको बाइंग नहीं करना है। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का जय हिंद, वंदे मातरम।